हेलो, कैसे हो बच्चों? तो आज हम लोग चैप्टर 2 12th क्लास की फिजिक्स का जो अभी अभी थ्योरी खत्म किए हैं उसके क्वेश्चंस करते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स आज हम लोग करेंगे। आप लोग तैयार है ना? ठीक है, चलिए बिना समय व्यतीत किए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं आज चैप्टर के। और इस चैप्टर के पहले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको यहाँ से शुरुआत करते हैं। और ये न्यूमेरिकल जो है वो क्या है? टू चार्जेज 5 × 10⁻¹⁸ एंड −3 × 10⁻¹⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो? टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। दो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमें दिखाना यह है कि इन दोनों में से कहाँ पे ऐसा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसमें कहाँ पर ये चार्ज जीरो होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो व्हाट आई कैन डू इज कि हम ले लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज ये जो है −3 × 10⁻¹⁸ कूलम, ये है एक चार्ज पॉइंट जहाँ पे ए है और ये चार्ज हम मान लेते हैं Q1। और यहाँ पर कोई चार्ज है, ये बी पॉइंट है ना, और यहाँ पे चार्ज है Q2। और Q2 चार्ज कितना है? ये Q2 चार्ज है 5 × 10⁻¹⁸ कूलम। अब ऐसा हो सकता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा है, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। इस पॉइंट के इन बिटवीन हो सकता है कि एक पॉइंट ऐसा मिले जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पोटेंशियल मिल करके जीरो हो जाए, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है एल्जेब्रिक सम होगा। एक की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, दूसरे की वजह से निगेटिव पोटेंशियल होगा, निगेटिव चार्ज की वजह से। तो हो सकता है कि इनके बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे इसका पोटेंशियल जीरो हो जाए। वो कौन सा पॉइंट होगा हमें मालूम नहीं है। मान लेते हैं वो पॉइंट पी है जो पॉजिटिव चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स की दूरी पे है ना, एक्स सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो यहां से कितनी दूरी हो जाएगी? यहां से हो जाएगी 16 − x है ना। अब पोटेंशियल एट पी निकालते हैं। पोटेंशियल एट पी ड्यू टू कौन से चार्जेज? पॉजिटिव चार्जेज और निगेटिव चार्जेज। ड्यू टू निगेटिव चार्जेज Q1 इज गिवन बाई के Q1 अपॉन डिस्टेंस यहां से पी का कितना है, 16 − x। ये पोटेंशियल हम लिख देते हैं, पोटेंशियल एट वी ए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज थी। वी वी क्या होगा? तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज Q2। और यहां पे क्या हो जाएगा, के Q2, और Q2 से इसकी डिस्टेंस कितनी है जी, x। नेट पोटेंशियल, चूंकि पोटेंशियल अल्जेब्रिक क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसका अल्जेब्रिक सम होगा। सो नेट पोटेंशियल वी नेट एट पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, दैट इज के Q1 अपॉन 16 − x प्लस के Q2 अपॉन x, ये होगा। सिंस पोटेंशियल हमें जीरो चाहिए तो हम लिख देते हैं वी नेट इज जीरो, एंड देयर फोर दिस इंप्लॉय व्हाट, K Q1 अपॉन 16 − x प्लस K Q2 अपॉन x इज इक्वल टू जीरो है ना। इसका मतलब ये हो गया कि K Q1 इज इक्वल टू व्हाट, K Q1 अपॉन 16 − x इज इक्वल टू −K Q2 अपॉन x। K से K कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के लिए K की वैल्यू क्या है, सेम।
अब हम इसको थोड़ा और देखें तो Q1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, यहां पे होगा Q1 कितना था हमारा, Q1 था हमारा, Q1 की वैल्यू कितनी थी, देखिए Q1 था हमारा 3 माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और ये था 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं ये सेंटीमीटर में, इसको 10 टू द पावर माइनस 2 यहां भी लिख सकते हैं यहां भी लिख सकते हैं, तो दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए हमने इसको मीटर में चेंज नहीं किया। जैसे यहां 10 टू द पावर माइनस 2 यहां भी 10 टू द पावर माइनस 2 लिखेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 माइनस साइन के साथ अपॉन एक्स। Q2 की वैल्यू है 5 है ना, देखो Q2 की वैल्यू क्या है 5 है, Q2 की वैल्यू 5 है, Q1 की वैल्यू माइनस 3 है, तो दोनों को हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब क्या होगा कि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और एक और चीज कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 10 का पावर 8 से 10 का पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे मिल जाएगा 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 16 80 माइनस 5x। सो ये 5x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, सो 8x इज इक्वल टू 80 एंड दिस इंप्लॉई एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमने मीटर में कन्वर्ट किया नहीं था, सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट किया था, सो सेंटीमीटर में ही आ गया। इसका मतलब है कि पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे डिस्टेंस पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सो द पोटेंशियल विल बी जीरो, पोटेंशियल विल बी जीरो जीरो एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इन बिटवीन, इसके अंदर में ही जीरो हो जाएगा, है ना। अब हम एक दूसरा कंसीडर करते हैं केस, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो चार्ज है ए पॉइंट पे, ए चार्ज है यहां पे, ए पॉइंट पे चार्ज है कितना हमारा Q1, वो क्या है माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम, और B पॉइंट है जो यहाँ पे चार्ज है कितना, B पॉइंट पे चार्ज है Q2 और ये है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके बाहर में कोई ऐसा एक पॉइंट मिले जहां पे इसका पोटेंशियल जीरो हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पे P पॉइंट हो और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये पॉइंट P कितना डिस्टेंस पे है पॉजिटिव चार्जेस से या कितना डिस्टेंस पे है निगेटिव चार्जेस से, दोनों ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पॉजिटिव चार्जेस से पहले की तरह मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे अवे फ्रॉम इट है, चाहे पहले चूंकि पॉजिटिव लिया है तो अब निगेटिव से ले लेते हैं कि a से x डिस्टेंस पर ये है पॉइंट P, तो यहां से B से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा x माइनस 16 सेंटीमीटर, है ना, तो ये B से हो जाएगा x माइनस 16। नाउ वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल, नाउ वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल at P due to charge at A is given by is VA, that is KQ1 upon कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, similarly potential at P due to charge at B is VB, that is KQ2 upon x minus 16, and so V net is equal to, therefore V net is equal to VA plus VB पहले की तरह, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ1 upon x plus KQ2 upon x minus 16,
since V net is equal to 0, this implies KQ1 upon X is equal to KQ2 upon X minus 16 minus of this, ठीक है? अब यहाँ पे हम अगर value रख दें, तो K से K तो पहले काट देते हैं, और Q1 की value है minus 3 into 10 to the power minus 8 upon X, इसकी value है 5 into 10 to the power minus 8 upon X minus 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 कट जाएगा। अब ये उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो करके क्या हो जाएगा, यहां से आगे ये लिख देता है, ये 3 इधर बचा है, 3 into x minus 16 is equal to, फिर कितना हो जाएगा, 5 into x, so that is 3x minus 48 is equal to 5x। अब ये इधर 5x इधर आके क्या होगा, 5x इधर आके माइनस, और 48 इधर आके प्लस होगा, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि यहां से 3x माइनस 5x क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और 48 इधर आ गया, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू माइनस 24 सेंटीमीटर। x डिस्टेंस है और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, क्या इसका मतलब हुआ, हमें पता नहीं था कि p इधर 0 होगा कि इधर 0 होगा, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, x माइनस 24 होने का मतलब है कि यहां से इस डायरेक्शन में इधर कहीं पॉइंट p होगा, जो यहां से कितना दूरी पे होगा, 24, तो यहां से 24 नेगेटिव चार्जेस से 24 डिस्टेंस की दूरी पे होगा, तो पॉजिटिव चार्जेस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 16 प्लस 24 दैट इज 40 सेंटीमीटर, सो अनदर वन इज अनदर पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर, द नेक्स्ट पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अनदर पॉइंट पी विल बी 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। हमने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि आपको इसका मतलब समझ में आ जाए, आप पॉजिटिव चार्ज से x लेते तब भी आपकी बात बन जाती, पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम लाइन से अवे, तो ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी तरफ होगा, जो कि जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड, ए रेगुलर हेक्सागन of side 10 cm has charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. Hexagon में क्या है कि यहाँ पे hexagon के 6 sides होते हैं, सबको पता है, तो hexagon जो होगा वो ऐसा होगा कुछ, ठीक है, और यहाँ पे इसके 6 चार्जेज 6 जो है वो होंगे, सब पे 5 माइक्रोकूलम, ए बी सी डी ई और एफ, ये हेक्सागन हो गया, यहाँ पे सब पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 5 माइक्रोकूलम का यहाँ भी चार्ज है, ये 5 माइक्रोकूलम का यहाँ भी चार्ज है, 5 माइक्रोकूलम का यहाँ भी चार्ज है, और 5 माइक्रोकूलम का यहां भी चार्ज। ये है सेंटर, हेक्सागन का सेंटर सब जगह से, क्योंकि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है हेक्सागन, ये सारा एंगल जो होगा वो सब बराबर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा 60 60 60 60 60, और ये सब भी 60 60 होते हैं, तो इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर इसकी साइड 10 है तो ये डिस्टेंस भी 10 ही होगा, हर एक वर्टेक्स से 10 होगा, हर एक वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होगी, 10,
So potential at center O due to A. Now we can write here potential at O, or even we I can write here like let me write here potential at O, potential at O due to charge at A, charge at A is what? VOA is equal to what? KQ. Charge everywhere is same. So KQ upon distance. Distance kitna hai ye? 10. Ye hoga. अब इसी तरह से पोटेंशियल एट बी जो होगा ओ भी होगा वी ओ बी इज इक्वल टू के क्यू, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम, इटसेट्रा. तो टोटल पोटेंशियल इस सिक्स वर्टेक्स की वजह से क्या हो जाएगा, हम इसी तरह से अगर कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल सिक्स वर्टेक्स पे कितना हो जाएगा. तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस सिक्स वर्टेक्स के लिए कि पोटेंशियल नेट पोटेंशियल वी नेट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट O due to A, potential at O due to B, potential at O due to C, potential at O due to D, and potential at O due to E, and potential at O due to F. और सब पे सेम है, सब पे है KQ upon 10, KQ upon 10, KQ upon 10. KQ upon 10, KQ upon 10. तो क्या हो जाएगा? 6 times of KQ upon 10. That is 6 times of KQ upon 10. और 6 by 10 का मतलब 6 by 10, K का मतलब 9 into 10 to the power 9, और Q का मतलब क्या है? 5 micro coulomb 10 to the power minus 6 coulomb. है ना? 5 micro coulomb को 5 into 10 to the power minus 6 coulomb लिख सकते हैं. तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 9 जा 27 into 10 to the power 3 आ जाएगा पोटेंशियल वोल्ट, है ना. सो 27 into 10 to the power 3 वोल्ट ये नेट पोटेंशियल हो जाएगा. और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द नेट पोटेंशियल at the center, what is the net potential at the center of this. So potential is what, this one I can write 27 into 10 to the power 3 or 2.7 into 10 to the power 4. I hope you got it right. Remember one thing is left here, that what the distance is given in terms of centimeter. So I can write this distance as 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2, and similarly that will come here again 10 to the power minus 2, that is 0.1, 0.1, 0.1 even you can write. So that is 10 to the power minus 2 everywhere, 0.1, this is 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 again 0.1 because it is converted in terms of meter. So this is 0.1 again, and that will multiply in numerator 10 to the power minus 2. So 10 to the power minus 2, so 3 and 2, 5, this will be 6 to 10 to the power minus 2, that will come in numerator and it will become 10 to the power 2. In denominator it was 10 to the power minus 2, in numerator it will be 10 to the power 2. So 2 more power will increase here. So in that case here it will be 5 and that will be 6 here. So that will be answer. Sorry, I forget this to change in centimeter into meter, but the concept is same. I hope you got it. Now next question. Now question number 3. Two charges 2 micro coulomb and minus 2 micro coulomb are placed at A and B 6 centimeter apart. There are two charges. One is at point B, another is at point
B, A and B. There is 2 microcoulomb charge and here is minus 2 microcoulomb charge. Say this is Q1 and this is Q2. Although both of them has same magnitude. So we have to, they are 6 cm away from each other. 6 cm. Again we have written in terms of centimeter. So in this we have to find equipotential surface of the system. In two charge system, the equipotential surface is the surface where, because they are opposite charges or even positive charges, equipotential surface is a surface where V net is zero, total potential is zero and therefore no work done it takes place. So net potential must be zero on this surface. Because both of them are equal charges, so at midpoint, definitely there will be net potential zero. Similarly, if I took this point, then that point is also equidistant from B. Why midpoint? Because at midpoint, both of them are equidistant, and here charge KQ by this much distance, that is 3 cm, here also KQ by minus KQ upon 3 cm and both of them are equal and opposite charges right now. So this will be a midpoint definitely. KK cancels, Q1 and Q2 are same. So net potential definitely would be 0 in that case because K1 plus Q2 is equal to 0. I can write. So V net is 0 at the point, at the middle point right now. And that will be 0, this employee distance are same, definitely. If even you can consider in like the previous question what we did, so V net will be definitely 0 at the middle point. Similarly, why this point is V net is 0? Because they are equidistant. If I draw a perpendicular bisector, you know, then what will happen at every point of this perpendicular bisector of this, they are equidistant from this A as well as in B and therefore equipotential surface is a perpendicular bisector line along the perpendicular bisector or even you can say normal to this surface AB where net potential is zero and therefore that gives equipotential surface. क्योंकि यहां पे किसी भी पॉइंट पे आप लेंगे किसी भी पॉइंट से यहां के डिस्टेंस और यहां के डिस्टेंस सेम होगी इवन यहां पे लेंगे तब भी सेम होगी यहां पे लेंगे तब भी सेम होगी दोनों से इक्वी डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर बाईसेक्टर जो होगा यानी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एबी दैट विल गिव इनडीड इक्विपोटेंशियल सरफेस तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि कहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. What is the direction of electric field at every point on this surface? Is point pe electric field ki direction kya hogi? To is point pe electric field ki direction jo hogi, wo normal hogi of course. Is plane ke kya hoga? Normal hoga. Is plane ke AB ke normal hoga. Electric field ki direction jo hogi, yahan se electric field niklengi lines. और यहां से निकलेंगी और चूंकि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है तो ये क्या होंगी नॉर्मल होंगी यहां से ऐसे इनकमिंग होगा नेगेटिव चार्जेस की तरफ और यहां से ऐसे पॉजिटिव होगा. सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इस सरफेस पे क्या होगा नॉर्मल होगा. ये 3 डायमेंशनल फिगर होगा इसलिए इसमें दिखा पाना संभव नहीं है बट ये है कि नॉर्मल होगा. कौन से नॉर्मल? द सरफेस ऑफ ए बी के नॉर्मल होगा. ऑफ कोर्स आई होप यू गॉट इट. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज चार्ज ऑफ 1.6 * 10 टू द पावर -7 डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर एंड एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. So this question, how to deal with this question? A spherical conductor is given and that spherical conductor is like here say this is a spherical conductor, right? And a spherical conductor, this is the center O, radius is 12 centimeter, this is 12 centimeter, right? So 12 centimeter, R is 12 centimeter.
that is 12 into 10 to the power minus 2 meter. Okay. What is the charge inside? As we know, when the charge is spherical, charge given to a spherical conductor, charge is spread throughout the surface. There is no charge inside, right now, and therefore no electric field exists. If there is an electric field exists, then this charge will move towards that, towards them, and it will neutralize it. So there is no electric field inside the conductor, is zero. Outside, so first question, as it was, electric field inside conductor is zero. Inside conductor is zero. Now we can calculate electric field outside of the conductors. So R is this much, and we know electric field at any point P, if let P be any point outside of this conductor, so electric field at any point at distance R is given by what? E is equal to, what is that? KQ upon R square, where Q is charge. And what is the charge here? Charge is 1.6 into 10 to the power minus 7. Q1 is 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb. So I can write here, this charge can be written like, this one can be written like KQ. K is what? 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. And Q is 1.6 into 10 to the power minus 7, and R is 12 into 10 to the power minus 2, and there is whole square, R square. So that comes to 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 7 upon 12 into 12 into 10 to the power minus 4. Now 3 3s are 9 and 3 4s are 12. 4 can cancel. If you remove this, 1 10 will come in denominator, and 4 4s are 16 will come. Okay, now 4 3s are 12 and 12 cancels out. So definitely the power comes into roll. 9 plus 4, here -4 plus 1, that is -3. So 9 plus 3 is 12, 12 minus 7 is 5. So 10 to the power 5 is the electric field, 10 to the power 5 Newton per coulomb, right? This is the electric field that can be calculated, 12 centimeter. But now the question is that 18 centimeter away from the sphere. So if I have to calculate this, 18 centimeter away from the sphere, what will happen? Wait. 18 centimeter away from a sphere. So C part is, a sphere is here and the radius is this, 18 centimeter away, P point is here, and that is 18 centimeter. So here R dash is 18 centimeter. That can be written as 18 into 10 to the power minus 2 meter. So electric field, therefore, electric field will be what? Electric field again at this point will be KQ upon R dash square. That is 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 7 divided by 18 into 18 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 2. Okay. So 9 2s are 18, right? And now 18, 4 can cancel this. So this will comes here. If I remove this, then 1 10 will come in denominator. Now 2 can cancel this 8 times, and this is 4 and this is 9. So finally it will come 4 by 9 into 10 to the power how much? So 10 to the power 9, 3, 12, and 10 to the power, this is 4,
and plus 1, that is minus 3. Minus 4 plus 1 is minus 3. Minus 3 will come here, 9 plus 3 is 12. 12 minus 7 is 5. So 4 by 9 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Even if you want to write it exactly, then 9, 4 ja 36, 4.4, again 4.44 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. I can write here 40 divided by this. So that electric field will be lesser than this. Obviously, everybody knows this, that whenever the charge is we move away from the charge body, then electric field is, value of electric field is going to or be lesser and lesser. So that's all. I hope you got it. So you can calculate like this. Now there is question number 5. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. 1 picofarad is 10 to the power minus 12 farad. Everybody knows this. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? Question is like this. Now we have to solve this question. One parallel plate capacitor. This is a plate and this one is another plate. And here these two plates are separated by distance. It is not given. So D is the distance between them, I say. And capacitance is given, that capacitance is 8 picofarad, 8 into 10 to the power minus 12 farad. This is capacitance given. A is the area of each plate, we know. So capacitance of, whenever there is a capacitance, we are calculating in terms of vacuum or in terms of air, then capacitance is A epsilon naught upon D. That is, for air we are writing like this, but because capacitance dielectric of air is 1, for air dielectric is 1, K is 1, and so that is why you don't write usually K. But if there is something different, and then we can write K. So K A epsilon naught upon D, this is the capacitance for air. In first case it is 1 into A into epsilon naught upon D. So capacitance will be, therefore capacitance for air will be A epsilon naught upon D. This is the first case. Now when the plate distance between the plates are reduced and become just half of it, that is distance become D by 2, but they filled by a dielectric with capacitance, that is C dash is equal to K dash A epsilon naught upon D by 2, because distance is D by 2, and K dash is 6 A epsilon naught upon D by 2. This 2 will come in numerator and that will multiply by 2. So that will be 12 times of A epsilon naught upon D. And what is this? This is C. So capacitance will increase by 12 times of C. And earlier this was 8 picofarad. So what will be that? 12 at 96, 8 picofarad. That is 12 at 96 picofarad, or 9.6, 96 into 10 to the power minus 12, or 9.6 into 10 to the power minus 11. That is 96 10 to the power minus 12 farad, or even we can write 9.6 into 10 to the power minus 11 farad. So this is the capacitance, how it will change. I hope you got it right now. So this was the question, and easier, it is not difficult at all. Now let us discuss question number 6. And this question is, 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series. What is the total capacitance of the combination? Because they are connected in series combination, and potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply. This is the question. That is, one capacitor is like this, another capacitor is like this, and third capacitor is like this.
Now this is being, this one is connected with at 120 volt supply. So E is here 120 volt, right? Now, so here the potential difference across, if the potential difference across this is V, then V is distributed among V1, V2 and V3. That is the potential difference across between plate A and first plate and second plate and third plate. So we know in series combination this is C1, C2 and C3. So potential difference across the plates are, across the capacitors are V1, V2, V3, and V is connected to V1 plus V2 plus V3, you know. So this is what we have learned in series combination. In series combination, we also learn that capacitance of each C1, C2, C3, here also given C1, C2, C3, each of them is 9 picofarad. If C is the equivalent capacitance in capacitor, C be the equivalent capacitance of combination, then what will happen? C will be 1 by C is equal to, in series combination, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. That is 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 9. That is 3 by 9. That is 1 by 3. So 1 by C is 1 by 3 and therefore C is equal to 3 picofarad. Picofarad. 9 picofarad was there. C is 3 picofarad. Now when it is added with or connected with 120 volt potential, then what will be the V? V for this. So V will be equally distributed. Since V is 120 and Q is same for everyone, Q is same. So what is that? Q is equal to CV and Q is, C is equal to Q by V. So Q is same everywhere. So V will be, since C1 is equal to what? C1 into Q is equal to V. On C1 is same, C2 is same, so V will be also same. Since V is equal to C1Q, V2 is equal to C2Q and V3 is equal to V3 is equal to C3Q and everywhere is same. V3 is also C3Q. Right now? Q is same, C1, C2, C3 is same and therefore V1 is equal to V2 is equal to V3. And therefore this V is V1 plus V2 plus V3, that is 3V1, because V2 and V3 also is same. This is 120 volt and therefore V1 is equal to 40 volt and V2 is also 40 volt and V3 is also 40 volt.